हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मी निशु खान। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेकअप एंड स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की वीडियो है क्रेयोलॉन टीवी पेंट स्टिक के बारे में, यानी मैं अपना फुल रिव्यू दूँगी इस स्टिक के बारे में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और देखना चाहते हो सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक अगैन। तो आज की वीडियो है क्रेयोलॉन टीवी पेंट स्टिक के बारे में। तो मेरे पास है इसकी 4 शेड आइवरी FS 45 36 एंड 2W। मिक्स मैच करके मैं अपनी फाउंडेशन क्रिएट करती हूँ। सबसे पहले इसकी प्राइस है 1400 to 1500 रुपीज़ मार्केट प्राइस। तो ये है बहुत ही हैवी ड्यूटी फाउंडेशन, इसीलिए जो है ब्यूटी पार्लर्स पे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यानी यूज़ होती है, जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है ऑब्वियसली उसका फेक भी निकलना शुरू हो जाता है। फेक आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो? फेक के पीछे एक स्क्रैच कार्ड मार्क बना होगा जिसको आपने स्क्रैच करके उस पर कोड लिखा होता है, उसके नीचे ही नंबर मेंशन होता है कि आपने इस नंबर पे इसको सेंड करना है और वो आपको बकायदा बताते हैं कि आपकी फाउंडेशन फेक है या ओरिजिनल। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने ख़रीदी है, आप इसे 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके बैक पे यहाँ पे मेंशन है कि आप इसे 2 साल तक यूज़ कर सकते हो। मैं इसका कवर जो है वो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मैं फेंक चुकी हूँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं और आपको पता ही होगा सर्दियों में स्टिक फाउंडेशन को ब्लेंड करना कितना हार्ड होता है। इवन ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, ऑयली स्किन के लिए जो है स्टिक फाउंडेशन बेस्ट होती है क्योंकि उनका जो फेस है वो पहले से ऑयली होता है। ड्राई स्किन पर जब स्टिक फाउंडेशन लगती है तो वो जो ड्राई पैचेस होते हैं उनके फेस पर वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जो है इसको लगाने से पहले अपना फेस जो है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो। मैंने मॉइस्चराइज किया है, अपना सीरम यूज़ करके अपना फेस मॉइस्चराइज किया है और उसके बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया है ताकि एंगेजमेंट पार्टीज पे या शादियों में जो है वो फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे, यानी हमारा मेकअप जो है वो सेट रहे और कोई जो है हमें ये ना कहे कि लड़की ओ माय गॉड तुम्हारी बूथे को हो क्या गया है, व्हाट हैपन टू योर मेकअप, क्योंकि वो मेल्ट होने शुरू हो जाता है, तो वो चक्कर ना हो फाउंडेशन के साथ। तो ये 4 शेड्स हैं, मैं आपको बता दूँ। FS 36 जो है वो बहुत ही डार्क शेड है जिससे आप यानी कंटोरिंग कर सकते हो। क्रीम कंटोरिंग जो है वो बहुत ही नेचुरल लगती है as compared to the powder contouring। तो आइवरी शेड और 2W और FS 45, यानी ये 3 शेड्स हैं जिनको मैं मिक्स मैच करके अपनी फाउंडेशन लगाती हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं थोड़े आपको कुछ कलर्स हैं, इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, मैं आपको जो है यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि कौन से कलर्स जो हैं वो कौन सी स्किन टोन के लिए ठीक रहेंगे। यानी मैं आप लोगों को देखा नहीं होता, काफ़ी लड़कियाँ मुझसे पूछती हैं मैं गंदमी कलर की हूँ, मेरे साथ कौन सी सूट करेगी फाउंडेशन, मेरा स्किन टोन ये है, मेरा स्किन टोन वो है। तो चंदा मैंने आपको देखा नहीं है, मैं आपको कैसे सजेस्ट कर दूँ कोई भी फाउंडेशन? टेस्टर मौजूद होते हैं हर एक शॉप पर, आप लोग ट्राई करो, घंटा खड़े रहो, ट्राई करते रहो, रिमूव करते रहो, जो आपको बेस्ट लगे वही फाउंडेशन लो। दुकानदार आपको बाहर नहीं फेंकेगा, आपको 1500 to 1400 रुपीज़ में जो है आपको 25 ml प्रोडक्ट मिलेगा। ये ओपन होता है इस तरह से और घुमाने से ये ऊपर की तरफ आता है। तो मैं आपको अभी भी बता चुकी हूँ कि ड्राई स्किन के लिए जो है ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ड्राई पैचेस जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं। एक्चुअली ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए है तो उन्हें ज़्यादा पता है कि फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड किस तरह से की जाती है और यू नो प्रोफेशनल यूज़ तो वो बेस्ट जानते हैं। अब घर की लड़कियां जो हैं वो लगा के और उसको ब्लेंड करना उन्हें आता हो या नहीं आता हो आई रियली डोंट नो, लेकिन ड्राई स्किन के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। ऑयली स्किन गर्ल्स जो हैं वो इसे डेफिनेटली यूज़ करो, आपको बहुत अच्छी लगेगी बिकॉज अ लिटल गोज़ अ लॉन्ग वे, क्योंकि सिर्फ एक ही स्वाइप जो है वो आपका आधा फेस जो है पूरा कवर कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही पिगमेंटेड है कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली फाउंडेशन जो है वो पिंक अंडरटोन में है, मेरा फेस है येलो तो उसको इक्वलाइज करेगा ये पिंक अंडरटोन फाउंडेशन जो है। तो इसका इस्तेमाल मैं बहुत थोड़ा करती हूँ, अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि फाउंडेशन जो ये फाउंडेशन है इसको हम लगा कैसे सकते हैं। और इवन मैं
कंटोरिंग भी इसी से करूँगी। अगर आपको बहुत ही पर्पलिश और ब्लूइश कलर के डार्क सर्कल्स हैं तो आप जो है उस पर ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करोगे और उसके बाद जो है फाउंडेशन इस्तेमाल करोगे। तो ये हैं वो तीन शेड्स, यानी आइवरी 2W एंड FS 35। बहुत ही हार्ड हो चुके हैं सर्दियों की वजह से, ये बहुत ही हार्ड हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि बहुत आसानी से लगा है। फिर ये पिंक अंडरटोन में जो फाउंडेशन है वो मैं थोड़ी सी अप्लाई करूँगी ताकि मेरी जो कलर है वो ठीक से अचीव हो जाए। अब ये जो है शेड FS 45 जो है वो मेरा शेड है, लेकिन जब मैं इसे पूरे फेस पे ब्लेंड करती हूँ तो बहुत ही ऐशी सा लुक आता है, तो इसीलिए मैं जो पिंक अंडरटोन में ये फाउंडेशन है उसे थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ इसके साथ, ताकि जो है वो फुल मेरी फाउंडेशन जो है वो येलो टोन जो है मेरे फेस में वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिर आप लेंगे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मेरी चूही बेटी जो है वो खा चुकी है, तो उससे हम अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने मेकअप सीखना शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने यही फाउंडेशन जो है, जो मुझे सिखा रही थी मेरी मैम, वो इसी फाउंडेशन को यूज़ करते हुए मुझे सिखा रही थी, क्योंकि सैलून में, ब्यूटी पार्लर्स में सिर्फ और सिर्फ यही फाउंडेशन यूज़ होती है। अब ज़रूरी नहीं है यही यूज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर यही फाउंडेशन यूज़ होती है। इस फाउंडेशन को आप जितना कम लगाएंगे उतना ही ये बहुत ही नेचुरल और फ्लॉलेस लगेगा। तो मैंने अपने पूरे फेस की जो फाउंडेशन है वो इससे बना ली है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरी स्किन ड्राई है अभी भी, जो है ड्राई पैचेस मॉइस्चराइज करने के बाद भी जो है ड्राई पैचेस है मेरे फेस पे, यहाँ पे ये एरिया नहीं है, ये सेक्शन, इस पे मेरा ड्राई पैच बना हुआ है, इवन ये एरिया। तो मैं अपना मेकअप कंप्लीट करके वापस आती हूँ और फिर आपको मैं अपने फाइनल थॉट्स बताती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। व्हाट हैपेंड? सो या, हियर आई एम, माय मेकअप इज डन। एक्चुअली मैंने ये फिल्म किया है, ये मेकअप, इट्स पार्टी मेकअप, नाइट टाइम पार्टी मेकअप, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मेरे फाइनल थॉट्स हैं इस फाउंडेशन के बारे में। मैं आपको बता दूँ, मैंने ये मेकअप किया है और मेरी स्किन है सुपर डुपर डुपर ड्राई, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जो है ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है स्किन में, यानी स्किन में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। तो मेरी जो यहाँ पे वो ड्राई पैचेस थे, सेटिंग स्प्रे भी मैंने अप्लाई किया है, तो वो बहुत ही बैठ रही है मेरी फाउंडेशन और बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत ही फ्लॉलेस। लाइक शुरू में बहुत ही ज़्यादा पैची लग रही थी यहाँ पे, इवन मैंने स्किन मॉइस्चराइज भी की थी, लेकिन अभी जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं कोई छूट नहीं बोल रही, नॉट स्पॉन्सर वीडियो। अगर मुझे ये फाउंडेशन पसंद ना होती और मेरे स्किन के लिए बेस्ट ना होती तो मेरे पास 4 फाउंडेशंस ना होती, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो। तो सीरियसली माई फाउंडेशन इज़ जस्ट फ्लॉलेस। बात वहीं पे आती है कि आपको टेक्निक आना चाहिए कि आपने फाउंडेशन को ब्लेंड किस तरह से करना है और यूज़ किस तरह से करना है, अदरवाइज़ ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी फाउंडेशन है ये। टोटली रिकमेंड करूँगी सारी गर्ल्स को कि ये फाउंडेशन यूज़ करें, लेकिन काइंडली ऑयली स्किन गर्ल्स जो है वो अपने स्किन को अच्छे से क्लेंस करके उसके बाद ये फाउंडेशन अप्लाई करें, यानी प्राइमर वो यूज़ कर सकती हैं पर मॉइस्चराइज़र ना यूज़ करें, प्राइमर यूज़ करके अच्छे से ये फाउंडेशन अप्लाई कर लें, तो रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट होगा।
तो ये थी मेरी रिव्यू अबाउट दिस ऑसम फाउंडेशन. अगर आपने ख़रीदी नहीं है तो ख़रीद लो, बिकॉज अ लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे. एक स्वाइप फुल आपके हाफ फेस को जो है वो कवर अप कर सकता है. अगर आपका फेस पचूना है, छोटा है मेरी तरह, अगर थोड़ा सा बड़ा फेस है आपका, तो आपको एक दो स्वाइप लगेंगे फेस को कवर करने के लिए. तो या गर्ल्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैं पसंद आई हूँ, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड या नोटिफिकेशन बेल जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मैसेज मिले और आप मेरे सबसे पहले व्यूअर बनो. सो या गर्ल्स, यहीं पे मैं वीडियो जो है वो ख़त्म करती हूँ. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.